हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज का जो वीडियो बनने वाली है उसका टाइटल देख के आपको तो पता चल ही गया होगा कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। यस, मैं 24 आवर्स के लिए ले रही हूँ फ्रूट्स चैलेंज। वैसे भी फ्रूट तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये पता नहीं है कि सुबह से लेके रात तक सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाना कैसा रहेगा। तो डेफिनेटली मैं उसका एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूँगी। क्या मैं ये चैलेंज ले पाऊँगी या बीच में ही छोड़ दूँगी, वो तो बाद में देखा जाएगा। मुझे लगा कि समर टाइम पे ये वाला चैलेंज तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपना ब्रेकफास्ट लेके मैंने आपको दिखाया है कि ब्रेकफास्ट पे मैं क्या ले रही हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं इतना ही ले रही हूँ क्योंकि सारा दिन मुझे फ्रूट्स खानी है और कुछ वैरायटी भी तो रहनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी हूँ, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। इसको खाते खाते मैं अभी वीडियो एडिट करूँगी और आप लोगों से सीधा मिलती हूँ लंच पे, तो बने रहिए। तो गाइस, मैं फ्रेश होके लंच लेके फिर आ गई हूँ। आप देख सकते हो क्या क्या है लंच में, लेकिन इतना ज़्यादा मैं नहीं खाऊँगी, थोड़ा सा खाऊँगी और थोड़ा सा रख दूँगी क्योंकि बहुत लेट से मैंने ब्रेकफास्ट किया था, तो अभी उतना ज़्यादा भूख नहीं है। अभी तुरंत मैं लंच कर लेती हूँ एंड फिर उसके बाद थोड़ा बाहर जाऊँगी और थोड़ा रात के लिए फ्रूट्स लाऊँगी क्योंकि एक ही फ्रूट्स बार बार खाना अच्छा नहीं लगता है। तो बाहर जाऊँगी एंड आप लोगों से भी शेयर करूँगी, तो देखते रहिए। अभी हम लोग आए हैं कोरबा में फ्रूट मार्केट में। देख सक रहे हैं आप लोग, आज मैडम का फूड चैलेंज चल रहा है, तो देखते हैं कुछ वैरायटीज टाइप का फूड मिलता है तो पता नहीं मैडम को अभी क्या पसंद आएगा, तो जो है और रात में हम लोग रिवील करेंगे। तो गाइस, अभी हम लोग बाहर आए थे लेकिन हड़बड़ी में हम लोग जो मिला उसको लेके अभी घर जा रहे हैं क्योंकि सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक सब कुछ खुला रहता है, फिर उसके बाद लॉकडाउन हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोग आपको कुछ दिखा नहीं पाए बाहर के, बहुत हड़बड़ी में थे हम लोग। और घर जाके हम लोग दिखाते हैं कि हमने क्या क्या परचेस किया है। ठीक है, देखो सब कितने जल्दी जल्दी सब घर जा रहे हैं क्योंकि कुछ देर बाद सब कुछ बंद हो जाएगा और इसलिए हम लोग भी अभी जल्दी जल्दी घर जा रहे हैं। शेयर करना चाहूँगी, मेरे ख्याल से मैं जब वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन शायद सबके पास नहीं जा रही है। तो ये रहा मेरा चैनल बाबलीज लाइफस्टाइल। सब्सक्राइब बटन जो है उसको अगर आप प्रेस करोगे तो देख सकते हो कि एक छोटा वाला बेल आइकन आ रही है, तो उसको अगर आप प्रेस करोगे तो 3 ऑप्शन आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ऑल, उसको अगर आप प्रेस कर दोगे तो मेरी वीडियो जब भी आएगी नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंचेगा एंड डेफिनेटली आप उसको पहले व्यू कर पाओगे। तो गाइस, अभी मैं घर आई हूँ, अभी बज रहा है शाम के 6:30। हम लोग बाहर गए थे कुछ डिफरेंट फ्रूट्स लाने, तो मैं कीवी लाई हूँ, ये तो बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, और लाई हूँ ड्रैगन फ्रूट, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता इसका टेस्ट भी कैसा है, तो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी। दिन भर मैंने बहुत ज़्यादा मीठा फ्रूट्स खा लिए हैं, तो अभी ना मतलब शाम के टाइम पे मुझे थोड़ा चटपटा कुछ खाने का मन कर रहा है, लेकिन
स्नैक्स के तौर पे फ्रूट्स के अलावा मैं और कुछ ट्राई तो नहीं कर सकती। तो अभी फ़िलहाल मैं लाई हूँ ककड़ी, इसमें थोड़ा मतलब मैंने चाट मसाला डाल दिया है, थोड़ा ये टैंगी फ्लेवर का भी लग रहा है, तो इसको मैं अभी ट्राई करती हूँ इवनिंग स्नैक्स के तौर पे। तो गाइस मैं ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी हूँ मीठा फ्रूट्स खाने के बाद इवनिंग के स्नैक्स के तौर पे, ककड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो सीधा मिलते हैं इसके बाद डिनर में, बने रहिए। तो गाइस अभी बज रहा है रात के 9:30 और मैं अपना डिनर लेके आ गई। तो आज मेरे डिनर में है मैंगो, कीवी एंड ड्रैगन फ्रूट। गर्मी के सीज़न में मैंगो नहीं ट्राई किया तो क्या किया, लेकिन हाँ मैंगो अभी मीठा तो नहीं मिल रही है, खट्टा मीठा ही सही, लेकिन मैंगो तो मैंगो ही होता है। तो पहले मैं ड्रैगन फ्रूट को ट्राई करती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए एकदम फर्स्ट ट्राई है। जैसे कि देख सकते हो कि छोटा छोटा दाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है, खास कुछ नहीं लग रहा है उतना। मैंगो ट्राई करते हैं। ठीक ही है, मतलब मैं तो सोची थी कि ये वाला मैंगो भी शायद खट्टा ही होगा, लेकिन मीठी है, ठीक ठाक ही है, तो हम लोग ला सकते हैं मतलब अभी मैंगो। और कीवी तो मतलब इसके पहले भी मैंने ट्राई कर चुकी हूँ, ऑलवेज मुझे अच्छा ही लगता है। तो ठीक है मैं अपना डिनर को अभी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो गाइस मेरा डिनर तो कंप्लीट हो चुकी है। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये 24 आवर्स वाला चैलेंज कैसा लगा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, ताकि मैं और भी 24 आवर्स वाला जो चैलेंज है वो आप लोगों के लिए लाऊं। और अगर आप लोगों के पास कुछ सजेशंस भी है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ बबलीज लाइफ स्टाइल। गाइज आप लोग व्यू तो कर रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्यों गाइज? एक लाइक एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आज के लिए बस यही तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।